उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी में तैनात कंपनी कमांडर बिशपजीत शर्मा की मौत के बाद तड़के उनका शव नादौन पहुंच गया। शव के पहुंचते ही उनके घर सहित पूरे शहर में माहौल गमगीन हो गया। शव को देखकर उनकी वृद्ध माता, पत्नी, बेटे सहित अन्य परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। शर्मा नाथनवा में बैरियर बाजार बॉर्डर आउटपोस्ट पर एसएसबी की 66B बटालियन में तैनात थे। एसआई राजेंद्र कुमार की अगुवाई में सेना की टीम ने नेपाल बॉर्डर से शर्मा के शव को नादौन के वार्ड नंबर 3 में स्थित उनके घर तक पहुंचाया। घर में अंतिम रस्में निभाने के उपरांत शहर के शमशान घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। सपड़ी से आई एसएसबी की टीम तथा नादौन पुलिस के जवानों ने हवा में फायर करके शर्मा को अंतिम सलामी दी। शर्मा के छोटे बेटे सम्राट ने पिता की पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग तथा प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। गौर हो कि बुधवार सुबह ड्यूटी देने जा रहे शर्मा का शव उनकी बैरक में पड़ा मिला था। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शर्मा की मौत के कारणों की जांच की जा रही है कि उन्होंने आत्महत्या की है या कार्बाइन साफ करते समय कहीं गलती से गोली चली है, क्योंकि गोली लगने से उनकी मौत हुई थी। शर्मा अपने पीछे दो बेटे, पत्नी व वृद्ध माँ छोड़ गए हैं।